किरण चौधरी जी। प्रश्न नंबर 30 अध्यक्ष जी। श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। अध्यक्ष जी, ये बहुत ही अहम मसला है। ये स्कॉलरशिप का जो है, स्कॉलरशिप किस लिए दी जाती है? कि गरीब बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर सकें। लेकिन हमारे, हमने देखा है कि हालात जो हो रहे हैं कि 2014 से 19 तक जो है हरियाणा में 52% एप्लीकेंट्स थे जिनको पीएमएस खाली दिया गया है, और 37% को जो है ये पे ही नहीं करा, दिया नहीं गया क्योंकि अप्रूव नहीं हुआ एजुकेशन डिपार्टमेंट से। दूसरा अध्यक्ष जी, ये टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है इसने 18,07,757 एलिजिबल बेनिफिशरीज को अभी तक नहीं दिया, जब उनका विड्रॉल हो गया, ट्रेजरी से पैसा निकाल दिया गया, फिर भी उनको नहीं दिया गया। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको स्टाफ करा जा रहा है, उनको फंड्स नहीं दिए जाते, लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई रोहतास डिग्री कॉलेज अटेली का है, रोहतास इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अटेली का है, उनको फेवर करके अनड्यू फेवर दिया जाता है। और जो है ऑडिट ने पॉइंट आउट करा है अध्यक्ष जी कि पेमेंट ऑफ 4.74 करोड़ टू स्टूडेंट्स जो है उनको दिया गया है जो हरियाणा से बाहर पढ़ रहे हैं। अब आप बताइए अध्यक्ष जी, ये तो बहुत ज्यादा जाती है। और जो है कैग की रिपोर्ट के मुताबिक और पेमेंट 7.36 करोड़ वॉज मेड टू 2,490 स्टूडेंट्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज। अब अगर इस तरह के हालात होंगे, मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट ने विजिलेंस प्रोब जरूर उसमें इंस्टीट्यूट करा है, उसका क्या हुआ है उसका भी हमारे को जरा बता दें। और जो ये बच्चे हैं छात्रवृत्ति के जो है, इनका जो है इसमें इनके अपने, इन्होंने कहा है कि आउट ऑफ 249 केसेस 27 क्लेम्स हैव बीन रिजेक्टेड बाय कॉलेज। अब ये कॉलेज ने क्यों रिजेक्ट करी है उसका भी हमारे को ब्यौरा दे दिया जाए। कह रहे हैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो बहुत वाइड एंगल है, उसका हमारे को पता नहीं चलता कि क्या उसमें क्या क्या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी गई है। और 30 क्लेम्स हैव नॉट बीन वेरीफाइड बाय द कॉलेज ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स बाय क्लेमेंट्स। चलिए इसका तो हम फिर भी बात कर लेते हैं। 192 स्टूडेंट्स हैव बीन रिसीव्ड ऑन द पोर्टल एंड पेमेंट्स अगेंस्ट दीज क्लेम्स विल बी मेड इन द नेक्स्ट 7 डेज। अब जो है 2021 से ये पेंडिंग है, अब कह रहे हैं अगले 7 दिन के अंदर हम दे देंगे। तो ये जो स्कॉलरशिप के जो बच्चे हैं जो इतने समय जो निकल गया है, उनकी भरपाई कैसे पूरी हो पाएगी, आप हमारे को ये बताएं उनको किस तरह से आप भरपाई करेंगे, क्योंकि ये हालात जो हैं ये हमारे सबके सामने हैं। स्टूडेंट्स जो हैं अभी भी ये जो हैं 249 स्टूडेंट्स जो हैं उनको दिया नहीं गया है, और ये जो छात्रवृत्ति दी जाती थी मेरे ख्याल में 12,000, और स्टूडेंट्स को जो बुक का किताबों के लिए भी जो पैसा दिया जाता था वो भी नहीं दिया गया है। तो इस हालात के अंदर हमारे गरीब बच्चे क्या करें, वो कहां जाएं, उसके ऊपर आप हमारे को प्लीज जरा रोशनी डालिए। कहेंगे क्या अध्यक्ष महोदय? प्रश्न क्या है? शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में प्रदेश में अनुसूचित जाति से संबंधित विद्यार्थियों की संख्या 95,052 थी, जिनमें से 83,834 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति जारी कर दी गई है। हरियाणा के सभी जिलों में 11,218 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति जारी नहीं की जा सकी, जिसका मुख्य कारण विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी जानकारी सही ना भरना है। सही लाभार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके इसके लिए छात्रों से ही जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर भरवाई जाती है। छात्रवृत्ति प्राप्त न होने वाले विद्यार्थियों की जिलेवार संख्या सदन के पटल पर रख दी गई है तथा विभाग को आदेश दिया गया है कि इन सभी विद्यार्थियों की डिटेल ऑनलाइन पोर्टल पर एंट्री करवाकर अगले 21 दिनों में छात्रवृत्ति जारी की जाए। प्रश्न है, शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में गवर्नमेंट कॉलेज अटेली जिला महेंद्रगढ़ में 487 अनुसूचित जाति से संबंधित विद्यार्थियों में से 238 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति जारी कर दी गई है। 249 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी डिटेल ठीक नहीं भरी, जिसके कारण इन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति जारी नहीं की जा सकी। वर्तमान जानकारी के अनुसार 192 छात्रों की डिटेल ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त हो गई है। विभाग को आदेश दिया गया है कि अगले 7 दिन में इन छात्रों की छात्रवृत्ति जारी कर दी जाए।
बचे हुए 57 विद्यार्थियों में से 27 दावों में जानकारी गलत प्राप्त हुई है। कॉलेज द्वारा भी इनके दावे को खारिज कर दिया गया है। 30 छात्रों के दावे में दस्तावेज पूरे नहीं है, जिनके कारण कॉलेज ने भी सत्यापित नहीं किया है। जो दावे कॉलेज द्वारा स्थापित कर दिए जाएंगे उनकी छात्रवृत्ति जारी कर दी जाएगी। अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने खुद अपने उसमें दिया है कि महेंद्रगढ़ के अंदर 1106 जो है उनको नहीं मिला है, भिवानी में 558 है और बाकी जगह जो है सबसे ज्यादा है यही दो जगह पर है। एक अंबाला में भी यही हाल है, 767 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं दी गई है। तो ये ऑनलाइन पोर्टल की जो आप बात करते हैं, ये ऑनलाइन पोर्टल सबसे बड़ा जंजाल बना हुआ है, इसको बंद कर दिया जाता है। आपको शायद मालूम नहीं है, आप अपने अधिकारियों से वहां पे पता करिएगा। ये ऑनलाइन के ऊपर जब ये रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो बहुत समय, थोड़े से समय के लिए खोला जाता है और फिर उसको बंद कर देते हैं। तो ये जो कारण है ये प्रशासनिक है मंत्री जी, और इसको आपको जो है टेकअप करना पड़ेगा ताकि ये बच्चों को इसमें सुविधा मिल सके, नहीं तो वो पूरे इधर उधर तितर बितर फिरते रहते हैं, बुरे हाल उनके होते रहते हैं। एंड आई एम श्योर जो है आप इसके ऊपर गौर फरमाएंगे ताकि ऑनलाइन पोर्टल जो है ये जंजाल ना बन के रह जाए, ये सुविधा बने जो सरकार दे रही है। पोर्टल की बात है, कोई सवाल आए किसी महकमे का आए, पोर्टल है, पोर्टल से सरकार चल रही है। पोर्टल से सरकार चलानी है तो मंत्री जी की क्या जरूरत है, इनकी क्या जरूरत है? पोर्टल कर देगा सब कुछ, मतलब सब कुछ पोर्टल कर देगा सरकार, भी पोर्टल चला, पोर्टल पोर्टल पोर्टल, और कभी भी कोई पोर्टल ठीक नहीं आया। धीरे धीरे सबको आना पड़ेगा इसके ऊपर, और अध्यक्ष जी ये प्रोग्रेस की निशानी है ये। अध्यक्ष जी इसमें एक, अध्यक्ष जी इसमें चलो आगे, अध्यक्ष जी इसमें कुछ एक कंफ्यूजन है, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी। सर इसमें कुछ हमारी सेंट्रली, पहले 100% हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड थी स्कॉलरशिप, अब जो है 60-40 है। एक तो हमारा जो 60% सेंटर का है, 40% स्टेट का है, टाइमली स्टेट जो है उसको भरे। सर दूसरा क्या है, 2018-19 से पहले शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट सभी की स्कॉलरशिप देने का काम करता था। 2018-19 के बाद ये दिक्कत इसलिए आ रही है सर कि ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को अब जो है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कर रहा है, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग कर रहा है, हेल्थ अलग कर रहा है और आईटीआई अलग कर रहा है। तो इस वजह से जो बच्चे डाल रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। हजारों की संख्या में ऐसे बच्चों ने हमें पत्र लिखे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि सही समय पे हमें स्कॉलरशिप ना मिलने की वजह से हम अपनी शिक्षा को छोड़ गए हैं। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि ये केवल अब एजुकेशन मतलब एक डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी, पहले शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट के पास थी और वो सभी डिपार्टमेंट्स को पैसा दे देते थे, अब डिपार्टमेंट्स को खुद देना है जिसकी वजह से हजारों बच्चों को इसका दिक्कत आ रही है। तो काइंडली इसमें कोऑर्डिनेशन के लिए कौन नोडल डिपार्टमेंट रहेगा उसको भी आइडेंटिफाई करने का काम करें। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए पहले इसमें बहुत सी त्रुटियां थी, एक ही व्यक्ति दो दो तीन तीन जगह से इस प्रकार से ले लेता था। अब जिस प्रकार से नई टेक्नोलॉजी आई उसमें उसका बड़ा भारी लाभ है। और जैसे पोर्टल बंद करने वाली बात कही तो मैं इसकी जानकारी लूंगा, अगर इस प्रकार की कोई बात है तो निश्चित तौर से कार्रवाई करेंगे। ये बात तो सही है कि नहीं, नहीं इसमें है नहीं कुछ भी, 57 विद्यार्थी केवल है, 27 के दावे खारिज करे, 30 के हमने कह दिया कि जो भी है, और आपकी जो दूसरी भी है नहीं, आपके सामने जब ये प्रश्न आया है तब इन्होंने फटाफट ये कर, ये तो 2021 के बाद की बात है, आपके आज हम 22 के आखिरी में आ गए हैं, आपके प्रश्न, वी आर एंडिंग 2022 से, आपके प्रश्न के बाद भी जो आया वो 192 छात्र ऐसे हैं। अब जो गरीब बच्चा है उसको अगर समय पे नहीं मिलेगा वो तो फिर कहीं का नहीं रहेगा, वो तो ड्रॉप आउट होगा। मुख्य कारण इसका ये है कि आधार कार्ड और बैंक खाते का लिंक ना होना, इसमें एक समस्या आ रही। तो पोर्टल वाली बात आ गई ना जी, उसके कारण ही है, लेकिन आने वाले टाइम में ठीक हो जाएगा। प्रशासनिक तौर पे अगर इसको अच्छी तरह से समन्वय बिठा दिया जाएगा तभी बात बनेगी, इसलिए आप उसको जरूर देख लीजिए। चलिए तो ये